अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स पर दस्तखत नहीं किए, दोनों बिल से इख्तलाफ था। सदर ममलकत आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ, अपने स्टाफ को मुकर्रा वक्त में बिल्स वापस भेजने की हिदायत की थी। मुतअद्दिद बार पूछने पर बताया गया बिल्स वापस कर दिए गए हैं, लेकिन ऐवान सदर के स्टाफ ने अहकामात की तामील नहीं की। मुझे पता चला कि मेरे हुक्म को मजरूह किया गया, इन तमाम अफराद से माफ़ी मांगता हूँ जो दोनों बिल से मुतासर होंगे, अल्लाह ताला सब जानते हैं, वो मुआफ़ फरमा देंगे। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर ममलकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार, सदर का इकदाम आइन की रूह के मनाफी करार। सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, वो बिल को मंजूर या एतराज़ लगाकर वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता, सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। वज़ारत कानून का रद्द अमल। सदर के ट्वीट से कोई भौंचाल नहीं आया, कानूनी निकात की वजाहत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंगी, सदर ने बिल्स वापस नहीं भिजवाए तो खुद ब खुद कानून बन गए। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर पार्लियामान से आए बिलों पर दो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 रोज़ पर मैं फैसला करना होता है। सदर का इख्तियार है कि बिल पर अपने मुशाहिदात तहरीरी तौर पर दर्ज करके वापस भिजवा दें। सदर के मंशा सदर ही जानते हैं। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। आरिफ अलवी अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, अल्लाह हमारी मदद करे, इसहाक डार का ट्वीट। आरिफ अलवी के सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर ही सवालिया निशान लग गया, क्या इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? शरी रहमान का सवाल, सदर की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम बहुत संगीन हैं, अगर तहकीकात से पता चलता है सदर ने हकायक को गलत अंदाज में पेश किया तो उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर रजा रबानी, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर आज खुद नोटिस लेकर फैसला करे, सिराजुल हक का मुतालिबा। सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर हैं। आरिफ अलवी का किरदार माजी में भी मुतनाज़े रहा, आज उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाएं। ट्वीट ने साबित कर दिया कि ये नाअहल तरीन शख्स हैं। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। आइनी माहिरीन ने सदर के ट्वीट को हैरान कन करार दे दिया, पाकिस्तान के आइनी तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि सदर इतने अहम मामले को ट्वीट के जरिए मंजर आम पर लाए। आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 10 रोज़ का वक्त होता है कि वो बिल को पास करें या वापस भिजवा दें। सदर ने दस्तखत नहीं किए तो उन्हें अपने अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। हाफिज एहसान अहमद, अश्तर औसाफ और अहमद बिलाल महबूब की सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साइफर गुमशुदगी केस, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले, इन कैमरा समात, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की हिदायत पर गैर मुतालिका वकला मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को इस्लामाबाद में उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करके एफआईए हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी मुलजिम नामजद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने खुफिया मालूमात लीक की, मजमू मकासद के लिए हकायक को मस्क किया, बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम ऑफिस की साइफर कापी भी गायब की। सेक्रेटरी दाखला यूसुफ नसीम खोकर की मुदयत में दर्ज मुकदमे की तफसीलात। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए जड़ावाला पहुंच गए। चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत, मुतासरा घरों की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। इस्लाम अकलियतों से हुस्ने सलूक का दर्स देता है।
दो चर्च बहाल कर दिए, वादा करता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत ने पंजाब तमाम मुतासरा गिरजाघरों को असल हालत में बहाल करेगी। मोहसिन नकवी, वज़ीर आला की मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात, दिलासा दिया और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सूबाई काबीना का चर्च में खसूसी इजलास में भी हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए आज जरावाला का दौरा करेंगे। जरावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलात ज़िंदगी बहाल, वापस लौटने वाले अफराद तबाह हाल घरों को देख कर परेशान। जलाओ घराव करने वाले गिरफ्तार मुलजमों की तादाद 170 हो गई। पीपल्स पार्टी के वफद का जरावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। शहरी रहमान, नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद की मुतासरीन से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हमारा दीन अकलियतों को बराबर के हकूक फराहम करता है। मुतालिबा है कि पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अनासिर को बेनकाब किया जाए। पीपल्स पार्टी हमेशा इंतशार के वाकयात की मुखालिफत करती है। आइन पाकिस्तान का, हमारा मजहब, हमारा कौल और फेल, अब सब ये मुतालबा करता है जी कि हम जो इसके पीछे लोग हैं उनको ना सिर्फ कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, लोकल इंतज़ामिया को मुस्तकिल मुतहरिक होना चाहिए कि लोग यहाँ पे एक हौसला लोगों को का बहाल हो। इस्लामी तालीमात में किसी भी मजहब की तौहीन की गुंजाइश नहीं। जिन मसीही बेटियों के जहेज का सामान जलाया गया उन्हें मदद फराहम करेंगे। जलाओ घेराव करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन मरकजी रवियत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जरावाला में मुतासरा इलाकों में दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, मुलाकातों में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नज़रसानी और फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। ख्याल था कि निगरान हुकूमत में आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत, अशिया खुरानोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। मसाइल का हल आवाम के पास है जो वोट से अहले क़यादत का इंतखाब करे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में जलसा करने और सड़क ब्लॉक करने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। मजिस्ट्रेट का ईमान मजारी को एक दिन के लिए थाना विमेन पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड बारे फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आज करेगी। अली वजीर का दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ था कि जलसे के दौरान छीना गया असलहा और दीगर सामान बरामद करना है। अगर FIR में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं तो कहीं नहीं सुन सकता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम के रिमांड। हुकूमतें बदल गईं मगर शहर इक्तदार में भिखारियों को कोई लगाम ना डाल सका। ट्रैफिक सिग्नल हो या तजारती मरकज, कोई जगह पेशावर भिखारियों से महफूज नहीं। पुलिस ने 7,500 भिखारियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला मगर फिर आज़ाद होकर शहर में दोबारा भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया।